श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, आज हम सब यहाँ पर हमारी बहुत ही प्रिय दादी जी पुष्पा रानी जी, ऋषि पुष्पा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी करनालवासी ऐसा होगा जो दादी जी को ना मिला हो और दादी जी से आशीर्वाद ना लिया। दादी जी ने सारी अपनी उम्र लोगों की सेवा में लगा दी। बहुत बार मिलना हुआ, बहुत बार दादी जी से आशीर्वाद लिया। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि हमारी बहुत ही पूजनीय दादी जी को अपने चरणों में स्थान दें और सभी जो भी दादी जी से जुड़े थे, जो सब यहाँ पर एकत्रित हैं, हम सबको इस बात का बहुत दुख है कि एक नेक आत्मा जिन्होंने समाज की सेवा की, सबकी सेवा की, आज हमारे बीच में नहीं है। उन सभी को आज जो इस दुख से ग्रस्त है, उनको परमात्मा को शांति दें और हम सब हमारी सच्ची श्रद्धांजलि दादी माँ को यही होगी दादी जी को कि हम चाहे जो गरीब है जिसकी हम कर सकते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं बुजुर्गों की सेवा करें और बच्चों को प्यार करें, हम सब उनके दिखाए रास्ते पर चलें और दादी माँ हमेशा अमर रहे कि हम लोगों के हमेशा बीच में उनकी यादें हमसे जुड़ी रहें कि हमेशा हम उनको याद रखेंगे। मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से, सब की ओर से हम अपने बहुत ही प्रिय दादी पुष्पा जी को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। ओम शांति। बहुत बड़ा सत्य है, कहता रहेगा। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ दाता अशोक जी, जो कि बठिंडा सब जोन से हमारे बीच में। ओम शांति। हमारे बहुत ही सम्मानीय, वंदनीय और परम आदरणीय दादी ऋषि पुष्पा जी की इस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए पूरा ब्राह्मण परिवार और करनाल नगर के नगर निवासी भाई बहनों और पूरे भारतवर्ष से विभिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए सेवा केंद्र बहने, चार बहने, तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने दादी जी की जीवन की विशेषताएं हमारे सामने रखी कि कैसे वो साधारण होते हुए भी उन्होंने जीवन में जो अपने मूल्य उतारे थे, तो कैसे उन मूल्यों को अपने जीवन, तो कई बार तो मैं सोचता हूँ कि बाबा ने जो ये पहला मूल चुना 300-350 आत्माओं का, ये शायद इनकी सब आत्माओं की कोई ऐसी स्पेशल कास्टिंग की हुई थी कि इनसे मिलना का जो आभास है वो बिल्कुल अलग ही होता था। इनके साथ के जो, जैसे हमारे दादी चंद्रमणि जी, दादी मनोहर इंद्रा जी, इनके हम संपर्क में मधुबन में पिछले 35-40 वर्षों से आते रहे हैं, तो इनको आप एक को मिल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे में भी क्या विशेषता है। तो आज इस श्रद्धांजलि सभा के दिवस पर मैं सारे सेवा केंद्रों के भाई बहनों की तरफ से ऐसे हमारे महान परम श्रद्धेय दादी जी को उनकी श्रद्धांजलि सभा में शत-शत नमन करता हूँ और साथ में पुष्प अर्पित करता हूँ। क्या हुआ था, हम भी ऐसे ही अपने जीवन में उनको उदार करके अपने जीवन को भी सुखी बनाएं और लोगों के जीवन को भी सुखी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आप सब ये बताओ कि दादी याद है या बाबा याद है या दोनों याद है?
किसकी याद खेच के यहाँ आपको लेके आई? ये बाबा की डायरेक्ट रचना है ना, तो जिसका रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, गीत है ना, कितना अच्छा गीत है वो, जिनको डायरेक्ट भगवान ने बनाया। कई लोग हंसी में कहते हैं आपको तो डायरेक्ट भगवान ने बनाया है, हम तो ठेके पर बनाए गए हैं। डायरेक्ट माँ बाप की पालना हुई, दुनिया देखी नहीं, 6 साल 8 साल की आयु क्या होती है। छोटी सिस्टर कमल मणि 8 साल की, जो कृष्णा नगर दिल्ली में है, ये 8 साल की थी, बड़ी पुष्पादा थी। 6-8 साल के बच्चे मम्मा बाबा के पास आ गए। डायरेक्ट भगवान ने इनकी स्थूल सूक्ष्म पालना की। 14 वर्ष तक तपस्या करे, 14 वर्ष बाल भवन में ये बच्चे थे, जिनको रोज मम्मा बाबा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने आते थे। गुरुदार दादी कभी कभी मन को सुनाती है, ऐसे माँ बाप दुनिया में कोई नहीं जो रोज अपने बच्चों को गले लगा के उनको सुनाए। है ऐसे कोई आप बैठे हुए हो? अपने बच्चों से इतना प्यार कोई माँ बाप नहीं कर सकता। सवेरे बाल भवन में जाता था, एक एक बच्चे को अपनी बाहों में समाता था, बाहों में गले लगा के प्यार करता था, ऐसा बाहों में। वो भी भगवान जिसके तन में आ रहे, शिव बाबा, वह ब्रह्मा बाबा ने इन बच्चों को तैयार किया। 14 साल की तपस्या इसलिए तैयार किया कि आगे चल करके विश्व में सतयुग की स्थापना के लिए काम करेंगे। और आज इन्हीं की तपस्या और साधना के आधार से आज देखो, मैं हम देख रहे थे, मैं अपने बड़े भाई लक्ष्मण जी को कह रहा था, देखो कितने हमारी बहनें भाई गांव गांव से, कई कैसे भी करके आए होंगे, कुछ कारोबार छोड़ के भी आए होंगे, जरूरी काम छोड़ के भी आए होंगे, नहीं हमने जाना है, हमारे आज दादी का वहाँ पर भोग लगेगा। दादी का प्यार बिना बाबा का प्यार निराकार साकार न, उनकी रचना है ना, डायरेक्ट रचना है। हम लोग कभी बैठा करते थे तो कि जब मनोहर दादी यहाँ पर थे, जिन्होंने यहाँ की स्थापना शुरू की,